सुरसालू गांव में पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल पहुंचे हैं, तो गांव में देखिए दूध पिलाया जा रहा है गांव में, और पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत अभी किया गया। रिसालू गांव में पैदल चलकर जो है मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, देखिए गांव वाले जो हैं दूध पिलाकर जो है स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें वैसे पानीपत पर देख रहे हैं आप लोग, ये पूर्व मुख्यमंत्री साथ में पंचायत मंत्री महिपाल डांडा और बीजेपी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें, और रिसालू गांव से पैदल जो है गांव में घूमते हुए जो है मनोहर लाल नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें रिसालू गांव से आप लोग देख रहे हैं। आज पानीपत ग्रामीण से जो इनका पानीपत ग्रामीण से ये लोग जो हैं आज निकले हैं, और पूरे पानीपत ग्रामीण का आज इन्होंने दौरा किया है, और सुबह से जो है रोड शो इनका निकला है, और पूरे गांव में ये पैदल घूमते हुए जो हैं नज़र आ रहे होंगे। विजय जैन जो हैं वो भी साथ में हैं। तस्वीरें वैसे पानीपत के माध्यम से देख रहे हैं। आज इनके कई कार्यक्रम सुबह से जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं, और रिसालू गांव में पैदल जो हैं इन्होंने लोगों से संबोधित किया, लोगों से मिले हैं, और चौपाल में ये ग्रामीणों से भी मिले हैं, और मोदी के नाम पर वोट डालने की अपील जो है मनोहर लाल करते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, तो ग्रामीण हल्के से अब यहां से निकलते हुए जो हैं नज़र आ रहे हैं, और रिसालू से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अब गाड़ी से रवाना होकर अगले कार्यक्रम के लिए निकलते हुए मनोहर लाल नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें, और आपको बता दें कि ग्रामीण हल्के से यानी कि रिसालू गांव से आपको ये लाइव और सीधी तस्वीरें हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा रुझान है जी? बहुत तगड़ी मोदी जी के समर्थन में चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, हर जगह जो मोदी जी ने देश के लिए पिछले 10 साल में किया है उसका एक पारितोषिक देने के लिए पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है। मोदी सरकार 400 पार, मोदी जी तीसरी बार। चलिए मोदी जी तीसरी बार, और अब ये तस्वीरें रिसालू साहब को दिखा रहे थे, तो आज ग्रामीण हल्के का दौरा था, रिसालू गांव में पहुंचे हैं, इसके बाद और कार्यक्रम में मनोहर लाल जा रहे। आपको पता है कि जब इलेक्शन के दिन होते हैं एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा के 597 पंचायतें हैं, और मैंने कहीं भी इस प्रकार की सभा में जाकर नीचे नहीं बोला, केवल आपके रिसालू के आग्रह के कारण से मैं अपनी गाड़ियां पीछे छोड़ के आया हूँ, गांव में पैदल पैदल आगे, और यहाँ चौपाल में आपकी सभा में उपस्थित हुआ हूँ। आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अपील करनी है। वैसे तो हमारे पंचायत मंत्री इनका ये गांव तो ये अपील करते बाद में मैं करता, लेकिन आगे अभी पानीपत के 2 प्रोग्राम हैं और 1 बजे तक मुझे करनाल पहुंचना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी वो आ रहे हैं, और नड्डा जी वहाँ आ जाए और मैं नहीं हूँ तो अच्छा नहीं है ना। हाँ, इसलिए बिना फॉर्मेलिटी के मैं तो इतना ही निवेदन करूँगा कि 25 मई को लोकसभा के चुनाव ये आए हैं, तो हम लोग उस दिन के लिए अपील करने आए हैं। लाइए लाइए लाइए, धन्यवाद। बहुत बहुत गांव की तरफ से भुगते आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सरपंच कौन है? ये हमारे सरपंच साहब हैं। आप बहुत नौजवान साथी को सरपंच चुना है, आपको बधाई। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज जिनको मैं पहले हमारे प्यारे विधायक महिपाल डांडा कहता था, आज मैं पहली बार यहाँ आकर के इनको बता रहा हूँ कि आज हमारे ये पंचायत मंत्री महिपाल डांडा हैं। आपके गांव के विकास इनके पंचायत मंत्री बढ़ते ही सुनिश्चित हो गए, और 9.5 साल यहाँ पर मुझे हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला। मैंने मीडिया मैंने जी जान से हरियाणा को अपना परिवार मानते हुए सेवा की है। अब मेरा एक बहुत पुराना साथी
मेरे साथ 28 साल से काम कर रहा। पहले वो हमारे साथ 14-19 में मंत्री रहे, बाद में सांसद बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने और अब उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इनको बनाया है और पूरी पार्टी ने, पूरे विधायक दल ने उनको सोच समझ के, और ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक व्यक्ति गरीब परिवार से उठा हुआ, जैसे मोदी जी गरीब परिवार से उठ के आए हैं, जैसे हम भी एक गांव से, गांव की पढ़ाई लिखाई करके पिताजी खेती करते थे वहाँ से उठ के आए, ऐसे ही हमारे महिपाल ढांडा की बैकग्राउंड है। हमारा जितना मंत्रिमंडल है ग्रामीण पृष्ठभूमि से, कोई राजनीतिक परिवारों के लोग नहीं है। जैसे कांग्रेस में तो बापू बेटा की चीजें चलती रहती हैं, अभी भी लड़ाई यहाँ बापू बेटा की चल रही है, कैसे बापू अपने बेटे को आगे करे और उनको कोई दिखाई नहीं है। इसलिए मैं तो यही अपील करता हूँ कि मोदी जी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता, ताकतवर नेता उभर करके आए हैं, उनको हमने न केवल अगले टर्म बल्कि लगातार 5 बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। दुनिया हमारे देश को एक सम्मान देती है, मोदी जी के कारण से देती है, तो दुनिया में भी हम 2047 तक विश्वगुरु बनेंगे। और इसी प्रकार अपने यहाँ के समाज की सेवा करने का मौका ये हरियाणा सरकार को आपने जो दिया हुआ है, अगली बार फिर से हरियाणा सरकार आपके इस मौके को लेना पसंद करेगी, आपकी सेवा करेगी। मैं तो इसी अपील के साथ कि 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालो और आने वाला 4 जून हमारा भविष्य इससे और आगे बढ़े, खिले फले फूले। आपकी हर आवाज़ आपका भाई मनोहर लाल पार्लियामेंट में उठाएगा और इसी इलाके की, क्योंकि पानीपत जिला विकासशील जिला है, बहुत विकास हो रहा है, इंडस्ट्री बहुत आ रही है और यहाँ शहर भी कितना बढ़ रहा है। खास करके मैंने देखा अभी इस गांव के आसपास कितनी ही ऐसी कॉलोनियां नहीं बसी हैं, उनको हमने सबको रेगुलराइज कर दिया है, इनके विकास का काम भी अगले इस चरण में सब शुरू हो जाएगा, पूरा होगा। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे, हर समस्या का हल समाधान उसका नाम हमारी हरियाणा सरकार, हमारे नायब सिंह सैनी जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ करनाल विधानसभा से। आप भी नज़दीक के लोग जो करनाल विधानसभा इलाके में अपने कोई भी जानकारी हो, कोई भी हमारा रिश्तेदार हो, उनको आज ही संदेश पहुँचाओ कि करनाल विधानसभा में 2 वोट की दाल डाल करके दोनों जीत करानी है, लोकसभा में विधानसभा में, बाकी हरियाणा में केवल लोकसभा है, तो सब लोग इस बात के लिए तैयारी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय मनोहर लाल जी, लखनऊ वासियों,
बड़ी संख्या में सुबह सवार आप लोग यात्रा के स्वागत के लिए आए। दिल की गहराई से मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। भाइयों बहनों, मैं आपके पास गुरु ब्रह्मानंद जी के आशीर्वाद से आपके पास आया हूँ और अपील करने आया हूँ। सारी बातचीत तो कल की सभा में भी, आज भी हमारे पंचायत मंत्री श्री राणा जी ने, महिपाल राणा जी ने आपके सामने रखा है। मोदी जी ने प्रत्याशी बनाकर कर दिया है। मैं कल उनकी सभा में था और मोदी जी ने गारंटी दी है हमारे समाज जीवन को खुशहाल करने की, हम व्यवस्थाओं की जानकारी उन्होंने दी। मैं भी आप लोगों की ओर से उनको गारंटी लेकर आया हूँ और गारंटी लेकर आया हूँ हरियाणा की 10 सीटें हम जिताकर उनको उनकी झोली में डालेंगे। ये गारंटी आपकी ओर से दी है, बोलो ठीक दिया कि नहीं? ठीक दिया ना? तो बस उसी के हिसाब से हरियाणा की लोकसभा करनाल की सीट भी, जिसके हम सब वोटर हैं, ये भी उसमें आती है। 9 सीटें और भी हैं। यहां भी कहीं हरियाणा में आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार, आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार भाई हो, कोई भी परिवार है, उन सबको आप लोग मेरी ओर से अपील करें और प्रधानमंत्री जी ने राम नाम कह लिया है, आप उनकी राम नाम भी स्वीकार करें। मोदी जी देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं और सबसे बड़े नेता माने इतने पावरफुल, जो समस्याएं देश की कई कई सौ साल से लटकी हुई, राम जन्म भूमि 500 साल से लटकी हुई, ये जो 370 धारा भी कांग्रेस का बीज खास करके नेहरू जी को बुलाया थे, उसको भी ये लोग हराते थे कि आप इनको छेड़ोगे तो फिर खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसी समस्याओं को मोदी जी ने चुटकी में कहते हैं कि समाधान कर दिया। आज दुनिया भी उनको मानने लग गई है कि मोदी जी एक समाधानकारक नेता है, एक समस्याओं का हल निकालने वाला नेता है। तो इस बड़े नेता को हमने और अगले 5 साल अपने देश का एक पावरफुल नेता बना के रखना है। उसी में से हमने करनाल लोकसभा सीट भी जीतनी है और वैसे तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, कल 5वें चरण का भी 20 तारीख को हो जाएगा, तो 4 चरण में ही सर्वे ये बता रहे हैं कि जो आधा आंकड़ा वो हमने पार कर लिया है, इसलिए अब तो वो आंकड़ा पार करना है जो मोदी जी ने कहा है। तो उसमें 10 अपने भी हैं, हम लोग सब इसमें बाकी वोटर्स को भी बताएं आए हो। 25 मई को चुनाव है, कमल के निशान के सामने वाले बटन को कितने वोट डाल दो बटन घिस जाए, और 4 जून को जब मशीनें खुले, मशीनें हैरान हो जाए कि लो कमल का फूल यही निकल रहा है। ठीक है, 6 जून के बाद फिर से मैं कार्यक्रम मनाऊंगा, आपका धन्यवाद करूंगा। बस एक ही बात, लड्डू तैयार रखियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चेयरमैन इधर आ, और राज्य जिंदाबाद। गांव के मेरे सारे साथी चाहिए एक मिनट पर मानिए भाई चाहिए तो भाई छोटे आगे ले, छोटे आगे ले भाई। नमस्ते, ठीक हो ना? आते जय 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 जिंदाबाद कट्टर भाई, जिंदाबाद मेरे ताइया ने। नमस्ते, राम राम, बहुत बढ़िया। माफी चाहूंगा आपको थोड़ा गलत टाइम दिया गया,